अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसा है आपका मूड? सुबह सुबह कभी कभार मैंने नोट ये किया है, हम जब सो के उठते हैं कभी हम बहुत फ्रेश सो के उठते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आपकी नींद अच्छी पूरी हुई है, आप रात को जल्दी सो गए हैं, आपको नॉन स्टॉप जागे बगैर नींद आई है, मच्छरों ने तंग नहीं किया, ऑफिस में ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी ज़िंदगी चल रही है, रिश्तेदारों में जो हाउसवाइफ्स हैं ख़ास तौर पे, रिश्तेदारों में सास नंदों से बनी हुई है, मियाँ से कोई लड़ाई नहीं हुई हुई, कोई चीज़ तंग नहीं करी, महंगाई आपको तकलीफ़ नहीं दे रही और महीने का आखिर नहीं है। सो सुबह सुबह एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह इंतहाई बुरा मूड होता है, चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता किसी से, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं ये क्यों हो रहे हैं। सो मैंने अक्सर ऑब्जर्व ये किया है, सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि अगर मेरा ऐसा कुछ मूड है सुबह सुबह तो मैं ना कुछ मीठा खा लूं। जाहिर है मुझे यहाँ मूड अच्छा रखना है, मशीन तो हूं नहीं के इतने सालों से सुबह सुबह हंसती भी जो आपके सामने नजर आती हूँ, इंसान हूँ, मेरा मूड भी ख़राब हो सकता है। सो मैंने ये पूरी प्रैक्टिस की है, इतने सालों से ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं कुछ मीठा, वैसे तो मैं आजकल थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चल रही हूँ, तो मैं आजकल कुछ सुबह नहीं खा रही होती, सिर्फ चाय मतलब कॉफ़ी पी रही होती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, लेकिन नॉर्मली मुझे अपना मूड अच्छा करने के लिए सुबह सुबह कुछ मीठा चाहिए। अब वो मीठा फ्रूट भी हो सकता है, वो मैं अगर हेल्दी उस पर चली जाऊँ तो ग्रैनोला भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार मुझे सॉलिड मीठा चाहिए। जब ज़्यादा मूड ख़राब है ना, मुझे इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट जो एक एक्टिव कर देता है मेरी बॉडी को और मेरे दिमाग को, वो मीठा है। सो मैंने रिसर्च की, मैंने कहा ये ऐसा है क्या इस मीठे में, क्योंकि मतलब सही नहीं है ना ये आपकी सेहत के लिए। तो उससे पता चला कि ये आपके ब्रेन का एक डोपामाइन रिलीज़ करता है, डोपामाइन एक ऐसा डोपामाइन कह लें या डोपामाइन कहते हैं कुछ लोग, ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है, जो आपको खुश करता है, हैप्पी हार्मोन है, आपको ये एकदम उदासी या चिड़चिड़ाहट दूर करने के बाद इंस्टेंट, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मीठे की थोड़ी सी नुकसान ये है, मीठे का नुकसान ये है कि आपको इंस्टेंट खुशी मिलेगी, इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा और उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएगा, आप बिल्कुल ड्राउजी हो जाएंगे। और रेगुलरली जब आप ये करते हैं सो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगता है, टू मच मीठा खाने से आपको मतलब लाइक आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। आप नोट करें जब आप अपने बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं, कितने हाइपर हो जाते हैं, एक सोफे से दूसरे सोफे, एक कमरे से दूसरे कमरे, भाग भाग के अपनी आपको भी चोट लगाते हैं, आपके घर की भी चीज़ें तोड़ते फोड़ते, क्योंकि वो उनकी एनर्जी कुछ ओवर बूस्ट हो जाती, वैसे ही वो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं मीठा खाने के बाद तो उनकी खैर और आपकी भी खैर नहीं होती। लेकिन मैंने अक्सर पाकिस्तानियों को देखा है, खाना खाया वो भी रात का, बेगम मीठे में क्या है, डेली मीठा बनता है, कुछ ना कुछ घर में डेली मीठा होना खाने का मेन्यू है। और चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे मैं कितने ही नुकसानात और थोड़े बहुत एनर्जी वाले फ़ायदे बता दूं, जिसकी आदत है वो रहेगी। और लोगों की आदत लाइक मेरे अब्बा की भी आखिरी मतलब मुझे कुछ साल पहले तक की बात है, जब शुगर थी वो पहले तो मीठा खाते थे, जब शुगर हो गई फिर मैंने उनको दही खाते हुए देखा है, दही में हल्की सी चीनी मिला लेते थे, मतलब मीठा नहीं होता था तो भी उनको कुछ ना कुछ एक स्वीट टूथ के लिए चाहिए होता था, दही में चीनी मिलाकर खाना या चावल के अंदर कुछ चीनी मिला के खा लेना। लोगों के यहाँ आदत होती है, कुछ और नहीं पका तो चीनी फांक लेते हैं यार कि कुछ मीठा खा लें। सो आज मैंने कहा कि वो जो आदत है क्या करें, ख़वातीन को भी तो परेशान हो गई है ना, अब नुकसानात मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिए, लेकिन ख़वातीन को वैरायटी चाहिए। अब मीठे में क्या क्या बनता है, चलिए मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, कस्टर्ड, जेली, खीर, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का हलवा, ट्राइफल बन जाता है, सूजी का हलवा बना लेते हैं,
चने की दाल का हलवा बना लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, सवैयाँ बन जाती हैं बस, और घर में नहीं समझ आता क्या बनाए। तो जिसके घर में रोज़ मीठा खाने का रिवाज है, उसको तो वैरायटी चाहिए। सो मैं आपकी बड़ी फिक्र करती हूँ कि आपके जो नंबर हैं वो कहीं भी कम नहीं होने चाहिए, चाहे वो मीठे में ही क्यों ना हो। तो आइए, सर्दियों में ज़्यादा दिल चाहता है मीठा खाने का, सरप्राइज़ करें अपने घर वालों को नई नई रेसिपीज़ उनको बता के। आज हमारे शो पे हलवे मांडे सीखेंगे आप। सुना है ना ये वर्ड, हलवे मांडे? तो यही होने वाला है आज, कुछ अलग अलग मीठे, अलग अलग हलवे, अलग अलग चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, अलग अलग लोगों की रेसिपीज़ आप तक पहुंचेगी, और आपने सब नोट करना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से पेन पेपर संभालें या मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है उसको खाली करें, क्योंकि आपने इसे भरना है। और अगर आप नहीं कर सके ये सब चीज़ें, गौर से शो देखें, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब यूट्यूब हमारा जो शो है पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको बार बार चला के देखिएगा कि ये हलवे मांडे जो आपके लिए बना रहे हैं, इसकी रेसिपीज क्या है। थोड़ा सा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ब्रेक के बाद मुलाकात करें हलवे मांडे सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग।